सोइंग मशीन गुरु की चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं 1.75 की पट्टी से आप 12 mm का ये जो हमने सैंपल में रखा हुआ है उसका आउटपुट कैसे ले पाएंगे और ये फोल्डर कैसा फिट होता है वो हम आपको बताएंगे। ये देखिए, ये जो है आपका 2.5 inch का आपको आउटपुट मिलेगा और यहाँ से 1.75 की पट्टी डालनी है। ये हमारा जीटेक ब्रांड का फोल्डर है। अब हम आपको ये फोल्डर मशीन में कहाँ पे कैसे लगेगा, ये फोल्डर के साथ में क्या क्या चीज़ आएगी वो हम बताएंगे। फोल्डर के साथ में ये पट्टी और ये जो दो स्क्रू आते हैं वो हम साथ में आपको देंगे और एक पट्टी आपको कपड़ा खींचने के लिए आपको एक पट्टी आएगी। ऐसी ये हम साथ में आपको कपड़ा डालने के लिए पट्टी देंगे, उससे आप कपड़ा पसार कर पाएंगे। ये जो आपकी मशीन के अंदर दो स्क्रू दिए गए हैं उसके ऊपर आपको ये फोल्डर अटैच कर देना है। हाँ, एक ध्यान रखिएगा, ये जो है ऑटो ऑयल मशीन में ही लगेगा, आपके अम्ब्रेला मशीन में ये फोल्डर नहीं लग सकता है क्योंकि इसका सेटिंग आपको नहीं आ पाएगा। ये जो हमने फोल्डर लगाया हुआ है, फोल्डर को आपको सुई का सेंटर मिला के सही तरीके से टाइट कर देना है, फिर इसमें इसे कपड़ा कैसे लगाएंगे वो हम आपको बताएंगे। कपड़े की पट्टी को कोने से आप क्रॉस में काट दीजिए पहले, फिर इसको आप ये फोल्डर से पसार कर लीजिए। ये पट्टी की मदद से आप उसको आगे धक्का मार के खींच लीजिए। फिर आप उसको एक बार पैर के नीचे दबा के थोड़ी सी सिलाई मार के उसको सही कर लीजिए। यहाँ पे जो तार दिया गया है उसमें आप पसार करोगे तो आपके कपड़े में कोई भी क्रीज होगी तो यहाँ से वो क्लियर हो जाएगी। अब हम आप एक टाके लेके आप उसको चला लीजिए, थोड़ा चला के देख लीजिए कि आपकी पट्टी सही आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आपका सिलाई बाहर जाता हो तो आपको उसका सेंटर लेना ज़रूरी है फोल्डर को आगे पीछे सेटिंग करके। यहाँ से जो फोल्डर है आपका आगे पीछे होगा और यहाँ से ये दो स्क्रू है वहाँ से आपका ऊपर नीचे होगा। ये से इससे फोल्डर आपका ऊपर नीचे होगा, ये जो स्क्रू हम पीछे से दिखा रहे हैं तो आप आगे पीछे कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो आप पीछे भी करिए और ज़रूरत है तो आप आगे भी करके उसको एक्स वाई एक्सिस में आप उसको सेट जैसा भी करना हो वैसे कर सकते हैं। और जो बाजू में दो स्क्रू है उससे आपके सुई का सेंटर का आगे पीछे होगा। हाँ, ये जो चीज़ है उससे आप सेंटर आगे पीछे कर सकते हो। तो ये हमने आपको फिटिंग करके बताया, अभी हम आपको ये फोल्डर चालू करके बता रहे हैं, तो हमारा वीडियो देखते रहिएगा, आपको ये फोल्डर से बहुत ही बढ़िया आउटपुट मिलता है वो हम दिखाएंगे। आपको ये जो फोल्डर लगाया हुआ है उसमें आपको कितने की पट्टी लगानी है, कितना आउटपुट मिलेगा वो बताएंगे। ये जो हमारी पट्टी लगी है वो 1.75 की है और उसके अंदर से आपको आउटपुट मिल रहा है 2.5 inch, जो आप वीडियो में देख सकते हैं। हमने अभी ये इसके अंदर आपको पाइपिंग कैसे करनी है और कितनी फास्ट आपकी परफेक्ट के रिजल्ट के साथ आपको आउटपुट मिलेगा वो बता रहे हैं। देखिए, आपका प्रोडक्शन बहुत ही फास्ट हो जाता है और बहुत ही इजी आपको परफेक्ट रिजल्ट मिलता है और आपकी पाइपिंग कंप्लीट रेडी होती है, जो हम आपको बता रहे हैं। आप उसको हम बॉर्डर पे लगा के दूसरा कंप्लीट करके भी बताते हैं आपको पूरा। हम इसको आपको राउंड में चला के भी बता रहे हैं, जो आप देखिए आपको राउंड जहाँ पे भी आता है उसको कपड़ा अंदर की तरफ प्रेस करके रखना है जिससे आपका कपड़ा स्लिप ना हो जाए। ये देखिए, ये आपका राउंड में भी आपकी पाइपिंग कंप्लीट लग गई हुई है।
ये हमारा फोल्डर आपको चाहिए तो आप हमारे वीडियो में हमने डिस्प्ले में नंबर दिया गया है उसके ऊपर कॉन्टेक्ट करके आप हमें डिटेल व्हाट्सएप पे जानकारी ले सकते हैं। फोल्डर में कभी भी कपड़ा रिवर्स नहीं खींचना चाहिए, वो आपको ध्यान रखना पड़ता है सर। ये जो अब हम आपको पूरा ये पाइपिंग करके बता रहे हैं, ये हमारा 1.75 के कपड़े से 2.5 इंच आउटपुट वाला डबल फोल्ड, जो ये डबल फोल्ड हो रहा है आप देख रहे हो, ये हमारा जीटेक का फोल्डर है जो अब हम आपको कंप्लीट आपको चला के दिया दिखाया गया है। आपको ये फोल्डर की कोई भी रिक्वायरमेंट है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे रिक्वायरमेंट भेज सकते हैं। हमारा वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।